शुभ मुहूर्त लग्न पत्रिका श्रीमान भुवन नाथन मेघा देवी माँ की असीम कृपा से कोबिल पट्टी के श्रीमान मुत्तु स्वामी और श्रीमती अरिमा के सुपुत्र श्रवण कुमार का विवाह कोबिल पट्टी वाउसी नगर के श्रीमान अरुणाचलम और स्वर्गीय चलम्मा की पुत्री राजलक्ष्मी अलियास मधुमती का 24/4/2013 इसी वर्ष के 11 तारीख को विवाह का शुभ मुहूर्त निकला है। दोनों परिवार के सर्वसहमति और वर वधु की स्वीकृति से ये विवाह तय किया गया है। आप सबसे अनुरोध है कि इनके विवाह में आशीर्वाद देने जरूर आए ताकि वर वधु का पारिवारिक जीवन सुखमय हो। आशीर्वाद दीजिए माँ जी। बेटी मेरे पैर मत छुओ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मैं आपको अपनी सासू माँ नहीं बल्कि अपनी माँ समझ के पैर छू रही हूँ। <मेरी बेटी। laughs> हाँ थोड़ा ऊपर लो, हाँ साइड में नीचे की तरफ। हाँ बोल बेटा। मैंने सब कुछ ले लिया है, कुछ और चाहिए माँ? जल्दी आ जाना, जब सगाई हो जाती है तो अकेले घूमना फिरना शुभ नहीं होता। क्यों डर रही हो माँ, मन मदन मेरे साथ में है। फोन जरा देना तो उसको। हाँ माँ बोलिए। ए उसको भड़का कर, अगर उसको यहाँ वहाँ लेकर घुमाना तो तेरी खैर नहीं। हाँ ठीक है मैं पकड़ लूंगा, फेंकना तू बॉल। हाँ मैं फेंकता हूँ ये देख। मेरी माँ मुझसे ज्यादा तुम पे भरोसा करती है, ऐसा क्या करता तू मुझ पर? संभल कर जाना मेरे भाई। ठीक है। ए गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, रुक जा। कौन है आप लोग? क्या रे आप लोग कौन है, क्या चाहिए? छोड़िए मुझे। अरे छोड़िए, अंदर चल। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे कौन हो तुम लोग? अरे चल अंदर, छोड़ो। अरे कौन हो तुम लोग? अरे छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? आ जाओ। जो लड़का लापता हुआ है ये उसकी माँ है सर। कंप्लेन लेटर दीजिए। इंस्पेक्टर साहब नहीं है, अंदर जो मैडम है आप उनसे जाकर मिल लो। ठीक है सर। मैंने उनसे बात कर ली, आप लोग जाकर मिल लो। जहाँ शादी तय हुई थी वहाँ कोई प्रॉब्लम हुई ऐसी थी क्या? कोई बात नहीं थी मैडम, लेकिन लव मैरिज है। अपनी माँ को अकेला छोड़कर चला गया। चिंता मत कर, बेचारी बिना माँ की बच्चियां हैं। बड़ी बेटी पहली प्रसूति के लिए घर पे आई हुई है। जो हो रहा है ये देख के डर लगता है कि छोटी की शादी कैसे होगी। हाँ तो अपने रिश्तेदारों से राय मशवरा किए बिना अगर हम खुद ही फैसला करेंगे तो यही नतीजा होगा। आप इनकी बातों को दिल पर मत लीजिएगा। चिंता होती है कि सबके सामने ये रिश्ता तय किया है, इसी बात की मुझे बहुत चिंता होती है। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? आप हिम्मत मत हारिए, वो लड़का वापस आ जाएगा। आप जैसे नेक इंसान के साथ कभी बुरा नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। याए सर नमस्ते, काउंसलर तंगम मारियप्पन बोल रहा हूँ। बोलिए। हमारा एक लड़का लापता हो गया है। कंप्लेंट कर दिया क्या? हाँ कंप्लेंट कर दिया है। श्रवण कुमार नाम है क्या? हाँ श्रवण कुमार ही है। थोड़ी मदद कीजिए, दो दिन बाद उस लड़के की शादी है। ठीक है मैं देखता हूँ।
ठीक है अच्छी बात है। धन्यवाद सर जी। टेंशन मत लो मिल जाएगा वो। सुनो कल तुम पुलिस स्टेशन आए थे ना? हाँ सर मैं आया था। फिर तुम पर कंप्लेंट क्यों हुआ है? किसने कंप्लेंट की है सर? कुमार लगता है ये नाटक कर रहा है। ए, तेरी माँ ने तेरे ऊपर कंप्लेंट की है। सर मैं कुछ नहीं जानता सर। इतना सब करने के बाद कहता है कुछ नहीं किया। कुमार ये और वो लड़का दोनों मिलकर लड़की का पीछा किए होंगे। अब उसकी शादी हो रही है ना तो इनको जलन हो रही होगी। मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर अपनी माँ की कसम खाता हूँ। सर मैं और श्रवण टू व्हीलर्स को फाइनेंस करने वाली कंपनी में बाइक चेसिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हमारा काम है जो ड्यू नहीं भरते उनकी गाड़ी को ढूंढ कर लाना। गाड़ी में साइड लॉक भी लगा हो तो उसे तोड़ने की टेक्निक हमें आती है सर। हैंड बार और टायर को जब अलग अलग दिशा में खींचते हैं तो लॉक अपने आप टूट जाता है। उसकी गाड़ी को ले जाकर कंपनी के हवाले कर देते हैं सर। इतना ही नहीं सर कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो अच्छे कपड़े पहनते हैं और सोने की चेन भी पहनते हैं। उनकी जेब में एक चाय पीने का पैसे भी नहीं होते सर। पता नहीं कैसे लोग होते हैं सर। किस्त में गाड़ी उठाकर ड्यू नहीं भरते और हमें घुमाते रहते हैं। नहीं सर नहीं सर एक हफ्ते में पूरा पैसा भर दूंगा सर। बस एक चांस और सर। तुम्हें पूरा एक साथ भरने के लिए नहीं कह रहा हूँ। गाड़ी यहाँ लाकर सरेंडर कर दो वरना हम खुद उठा लेंगे। क्या कहा तुम लोग गाड़ी उठा लोगे? अगर एक बाप की औलाद है तो गाड़ी उठा के दिखा। अरे यार गाड़ी उठाने की बात कर रहा था मेरी मेरी गाड़ी को। अरे ये क्या यहाँ तो रास्ता ही बंद है। कहाँ चला गया वो? चल यार सुबह मिलते हैं चलता हूँ मैं। ठीक है यार। अरे यार इन्होंने हमारी गाड़ी बदल दी। अरे तो क्या हुआ कल गाड़ी को फॉलो करके गाड़ी उठा लेंगे। सुन यार अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ये बदमाश लोग हैं इनकी जुबान और हाथ कुछ ज्यादा ही चलते हैं। अगर अभी गाड़ी उठाने गए तो हमें खत्म कर देंगे। गाड़ी जल्दी निकालोगे या लेट करोगे? जल्दी निकालेंगे भाई। गाड़ी जल्दी निकाल लिया क्या? हाँ भाई। हेलो आप जो लेकर जा रहे हैं वो आपकी नहीं है। ए, जरा उस गाड़ी का नंबर बताना तो। उसका नंबर है 6865। इस तरह बहुत दिनों से हम एक गाड़ी को रिकवर नहीं कर पा रहे थे। तब मैनेजर ने बुलाया। सर आपने हमें बुलाया? वो पैशन 0637 का क्या हुआ? अप्रूवल ऑर्डर दे दीजिए सर। अगर अप्रूवल देना है तो तुम नौकरी क्यों कर रहे हो? मैं क्या करूं सर उस पार्टी को 10 महीने से कॉल किए जा रहा हूं। गाड़ी उसके पास नहीं है सर। तुम क्या करोगे क्या नहीं मुझे नहीं पता। अगर गाड़ी लेकर नहीं आए तो नौकरी से निकाल दूंगा। क्या हुआ परेशान क्यों है? अब मैं क्या करूं यार पार्टी के पास गाड़ी नहीं है। मैं पिछले 10 महीने से उसको फॉलो कर रहा हूं। पार्टी का घर तू जानता है ना? हाँ जानता हूं। और वहां पर चाय की दुकान है। ए।
मैं और श्रवण पार्टी के घर गए, जहाँ हम गए थे वहाँ किसी की मौत हो गई। तुमने घी पहुँचा दिया था ना? हाँ भाई पहुँचा दिया। भाई क्या हुआ भाई? वो हमारे अरुणाचल जी है ना, उनकी बीवी का देहांत हो गया है। सोचा था आज गाड़ी उठा लेंगे, जब हम पूछताछ करने आए तो पार्टी की बीवी मर गई। चलो वापस चलते हैं। गाड़ी को आज ही उठाएंगे? पार्टी ने किसी अपने जान पहचान को ही गाड़ी बेची होगी, या तो किसी ना किसी से कर्जा लिया होगा, या उसने गाड़ी को उठाया होगा, या अपने किसी रिश्तेदार को दी होगी। अगर मेरा अंदाजा सही है तो गाड़ी यहीं आएगी। उस दिन पहली बार हमने राजी को देखा। देखने में एकदम परी जैसी थी यार। कौन यार? वही जो माँ माँ करके रो रही थी। क्या बात है सुबह सुबह कहीं जा रहा है क्या? क्या रे मजाक उड़ा रहा है? तेरे पे रहम करके आज गाड़ी उठाने की सोच कर आया हूँ। कौन सी गाड़ी? कल उस मातम वाले घर में कोई नहीं आया तो आज कहाँ से उठाएगा? अरे यार जिसके घर में मौत हुई थी उनके यहाँ कल जो रिश्तेदार नहीं आए थे, मुझे लगता आज वो पक्का आएंगे। जल्दी जा, तू कपड़े पहन के आ। नमस्ते साहब। हाँ हाँ सारा इंतजाम हो गया ना? आज भी आए हैं? ए, ए, भूख लग रही है यार। सब लोग चले गए हैं, अब कोई नहीं आने वाला यहाँ। चल चलते हैं ना यार। यार वो लड़की अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? ए, मुंह से कोई गाली निकल जाएगी, चल यहाँ से। ए, कॉल आ रहा है यार। किसका है? कोई फॉरेन का नंबर लग रहा है। उसको बोल दे मैं बिजी हूँ। भाई मैं जोश बोल रहा हूँ। मैं आपका दोस्त मनमदन बोल रहा हूँ। ऐसा है क्या? हाँ तू करता रहे। हाँ बोलो।
मुझे उससे बात करनी है। अरे उसी से बात करेंगे, हमसे बात नहीं करेंगे। नहीं नहीं, आपसे भी कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको बोर तो नहीं कर रहा हूँ ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। वैसे भी हमारे बीच में कुछ नहीं है, बोलना खुलकर। अरे नहीं कहा ना, सब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ दे रही है। मनमदन आवाज आ रही है क्या? बोलो ना। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी है, फॉरेन की लड़कियां एकदम गोरी गोरी होती है ना? मदन, गर्लफ्रेंड के साथ बात करके एंजॉय कर रहे हो? हाँ एंजॉय, एक है जो मेरी जान खा रहा है। सर सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बज गए, लगातार आप बात ही किए जा रहे हैं, बहुत बातों नहीं लगते हैं सर आप। हाँ आज आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या सर? आज छुट्टी है ना। अच्छा ऐसा है क्या? मदन मैं बात बोलूंगा तो यकीन नहीं करोगे, मेरा काम एकदम फ्री है, मेरे अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। ओके बॉस। मनमदन आवाज नहीं आ रही है क्या? मनमदन आपके गले को क्या हुआ? गला एकदम सही है, सेल का चार्ज डाउन हो गया है। बस इतना ही बात कर सकते हैं क्या? आप चिंता मत करिए, मैं आपको दूसरा नंबर देता हूँ, आप उस पे कॉल करिए, वो फुल चार्ज है। बोलिए। हाँ 88 हाँ 70 12 54 73 ठीक है। अब तो मजे कर दोस्त। बोलिए बॉस, उस फंक्शन में आप मेरे पास ही थे ना? 3 कड़ाही चाहिए। हाँ। अंडा कितना? 2, एक बड़ा एक छोटा। आइए आइए भाई, मैं ही आने वाला था। हाँ बस पिछली बार भी आप यही बोल रहे थे, उधर मैनेजर हमारे ऊपर चढ़ा जा रहा है, इस महीने सारा ड्यू भर देना वरना गाड़ी उठा ले जाएंगे। भर दूंगा भाई भर दूंगा भर दूंगा, हर बार यही बोलते हो। बोलो मेरे दोस्त। अरे सुनो, बहुत दिनों से तुम पैशन गाड़ी के पीछे भाग रहे थे ना? हाँ हाँ। उस गाड़ी का नंबर बताओ। 0637। तुरंत इधर आ जाओ, गाड़ी देरी खड़ी है। थैंक्स मेरे दोस्त। भाई हाँ। जल्दी चलो। हाँ। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। रुको इनके साथ जाके आता हूँ मैं। सरवन हाँ। सीधे जाके लेफ्ट ले लेना। ठीक है भाई। यार कोई नहीं है, चुपचाप जाके गाड़ी लिया। चल भाग 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 भाग। रुको। ए, अरे रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? रुको। हेलो राजी, राजी मैं दीदी बोल रही हूँ। सर सुन यार, पिछली बार रवि हॉर्न मांग रहा था ना? ठीक है दे दे उसको। दीदी वहां जो लड़के खड़े हैं ना वही हैं, उन्हें मत बताना कि मैंने बताया। कौन है ये लड़की? क्या हो रहे? कुछ नहीं, वो लड़की हमारी तरफ ही आ रही है, लगता है इसको कहीं देखा है। ऐसा क्या?
सर क्या चाहिए आपको? अरे आप रो क्यों रही हैं? आप गाड़ी उठा कर ले आए। आप ड्यू नहीं भरेंगी तो उठाएंगे ही ना? वो गाड़ी जीजाजी को दहेज में दिया था। क्या कहा तुमने? जिस गाड़ी का ड्यू नहीं भरा उसको दहेज में भी दे दिया? सर मेरी दीदी को उसकी सासू माँ बहुत टॉर्चर करती है। जब मेरी माँ की मौत हुई थी तो उनको देकर किसी तरह समझा के भेजा था। मैं नौकरी करती हूँ, कैसे भी करके आपका बाकी का पैसा दे दूंगी। हम कुछ नहीं कर सकते, जो कहना है मैनेजर से कहो। ये यहाँ क्या करने आई है? ठीक, तुम यहाँ काम करते हो क्या? Hey. Hi. ऐसे क्या देख रहा है तू? वो लड़की कौन है? मेरी फ्रेंड है। उसने तेरे मुंह पे थूका क्यों? नहीं तो? ए, सही बता, क्या बात है? आज जो मनमदन तेरे सामने खड़ा है वो कभी बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था। गायत्री। यस सर। बिजनेस में यूजी किया है? यस सर। पीजी क्यों नहीं किया? मेरे घर के हालात ठीक नहीं है सर। ओके, लेकिन करस्पॉन्डिंग में पक्का पीजी कंप्लीट कर लेना, उसके बाद ही आपको प्रमोशन मिल सकता है। ओके सर। ओके, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सर। सर मुझे काम क्या करना है? काम? मैंने बताया तो था घर बैठे काम करना होगा। घर बैठकर क्या काम करना है सर? 9 to 6 जॉब है, मैक्सिमम नाइट में ड्यूटी रहेगी। मैं 9 बजे कॉल करूंगा, फिर 1 to 2 फ्री है, फिर 2 to 6 मुझसे बात करती रहनी पड़ेगी। बातें करना है मतलब? वही एकदम एंजॉय की बातें। अरे माँ, मर गया। इडियट, काला कौवा, बदतमीज इंसान। जिसने हील्स का आविष्कार किया है उसे चप्पलों से मारना चाहिए। मुझे बचाने के लिए आया। मनमदन, भाग के आ जा। मनमदन, जल्दी भाग वहाँ से। अरे इसे हो क्या गया? हेलो, क्या क्या हाँ लगता तो है। क्या कर रहा है? चलिए देखो तो जरा, जल्दी से गाड़ी चला कर पकड़, वरना वो पकड़ लेंगे फिर मार खानी पड़ेगी। अरे हट। Ah!
कहते हैं कि दोस्त दोस्त की जान बचाता है, लेकिन जब तक दोस्त को प्यार ना हो जाए, वो मुझे कल ही पता चल गया। लेकिन एक बात तय है मेरे भाई, उस तरफ दोबारा नहीं जाना है। ये मुझे कहाँ लेकर आ गया? अरे बाप रे, जिस गली में नहीं जाना था उसी में लाकर छोड़ दिया। ए, अंदर आना। आइए 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 आइए। कल जो मार खा रहा था ये तो वही चोर है। वेल मुर्गन, मैं तो चारों तरफ से घिर गया। वो दिखाइए। सॉरी, मेरे दोस्त को पसंद नहीं है। हाँ? मैं? चलते हैं भाई, कहीं और देखते हैं जहाँ तुझे पसंद आता है। बाप रे, जिस काम से आया था वो हो गया, बच गया। पूछ लिया नहीं ना? आपको कैसे पता? आपसे नहीं कह रहा हूँ, पूछ लिया नहीं ना? नहीं कुछ नहीं लिया, मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया है। हेलो हेलो, घर में कोई है? एए, देख क्या रहा है, आवाज देना। राजी दीदी, राजी दीदी, राजी दीदी। सुनिए ना, मेरी पतंग अटक गई है, निकाल कर देंगी क्या? बेचारे बच्चे की है। ये ले बेटा। क्या कहा? प्लीज यार, पतंग दे देना, मैं तुझे वापस कर दूंगा, प्लीज यार। अंकल टाइम हो रहा है, मुझे जाना है। भैया आप चाहे तो चले जाओ, मैं राजी के साथ आ जाऊंगी। हाय। ऐसे क्या देख रही है तू? तुम्हारा सूट ना बहुत अच्छा लग रहा है। ओ अच्छा, ये मेरी माँ ने दिलवाया है, मेरी पसंद का कलर नहीं मिल रहा था, बहुत ढूंढने के बाद मिला है। अच्छी है ना? अच्छी है। अच्छा तुझे कौन सा कलर पसंद है? पर्पल। पर्पल? पर्पल पसंद है। यस। उस कलर के दीवाने बहुत ज्यादा हैं, और तेरे पीछे भागने वालों की भी कमी नहीं है, वो देख। ये जानने के बाद कि उस लड़की को पर्पल रंग पसंद है, उसने जो पागलपन किया वो बर्दाश्त नहीं कर पाया सर। क्यों बे कालिया, देख क्या रहा है? ला 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 ला।
भाई एक फिल्टर दो। क्या बात है, कपड़े एकदम नए लग रहे हैं। हाँ भाई। क्या रे, क्या देख रहा है? तूने मुझे बताया नहीं क्या कि तू गैस कंपनी में काम करने लगा है? कपड़े देख के बोल रहा है क्या? ये कलर उसको बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने तुरंत ले लिया। आज के बाद मैं पर्पल लाइफ जीने वाला हूँ। कौन सा कलर बोला तूने? पर्पल। पर्पल बोल रहा है और ब्लू पहना हुआ है? हाँ, अरे ब्लू ही पर्पल होता है ना। ब्लू का मतलब नीला होता है यार। ऐसा है क्या? तो फिर पर्पल कैसा होता है? पर्पल मतलब, वो तो मुझे भी नहीं पता यार। पिछले हफ्ते ही मैंने एक सूट लिया था। कैसा था? अच्छा था क्या? बोलो ना। हाँ बहुत अच्छा है। ओके बाय। ठीक है बाय। मैं क्लाइंट के घर पे ही आया हूँ। हाँ नहीं नहीं, शाम को हम मिलते हैं ना। अरे तुमसे मिलने के अलावा और मेरे पास दूसरा काम ही क्या है, तू आ जाना। कोई बात नहीं, हाँ आ जाना ना। हाँ पूरा टाइम ही टाइम है। अच्छा हाँ कैसे? अच्छा ऐसा है क्या? कहीं से जाने की बुआ आ रही है। कोई बात नहीं, अरे मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। यार उस लड़की को देखने के चक्कर में सिगरेट का ध्यान ही नहीं रहा। सॉरी यार, सॉरी। अरे सॉरी यार, सॉरी मेरे भाई, ये लेके ले खा। मुझे नहीं चाहिए। अरे खाना, सॉरी ना। अरे माफ कर दे मेरे भाई, अब अपने भाई से इतना भी नाराज क्यों ना। गरम पानी किसने फेंका रे? बेटा पर्पल कलर के कपड़े वाली लड़की ने मेरे पास से फूल खरीदे थे। पर्पल? वो यहीं छोड़कर चली गई। तुमने देखा उसे कहीं? मैंने देखा दादी, मैं जाकर देता हूँ। अरे हट जाओ ना। बेटा वो लड़की मेरे पास आके फूल लेकर चली गई, उसको मैंने दूसरे फूल दे दिए, ये मुझे दे दो।